मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट होने की खबर काफ़ी पहले से चल रही है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही 7 सर्कुलर रोड इसी आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उस एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इसी 7 सर्कुलर रोड में जो बंगला है यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ भी कई निर्माण कार्य जो है काफ़ी दिनों से चल रहे थे और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो निर्माण कार्य थे वो पूरे हो चुके हैं और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री को दिल्ली भी जाना है। दिल्ली से जब वो लौटेंगे तो इस बंगले में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कई खास जो बातें हैं इस बंगले को लेकर के वो भी आपको पता होगा। हालांकि मुख्यमंत्री 2015 के चुनाव के वक्त इसी बंगले में रहते थे। हाल जो अब खबर मिली है उसके मुताबिक जो निर्माण कार्य इस बंगले में चल रहा था वो पूरा हो गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बंगले में शिफ्ट होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। हालांकि निर्माण कार्य जो है वो एक अन्य मार्ग में चलना है, उसको लेकर के ये तमाम बातें सामने आई है। 7 सर्कुलर रोड का ये बंगला जहां पर मुख्यमंत्री निर्माण कार्य पूरा होने तक यहां पर रहेंगे। इस आवास में नीतीश कुमार पहले भी रह चुके हैं और मुख्य सचिव रहते दीपक कुमार भी इसी आवास में रह चुके हैं। दीपक कुमार के जाने के बाद 7 सर्कुलर रोड आवास किसी को आवंटित नहीं किया गया था और इसे फिर से सजाया गया है। कोलकाता से विशेष रूप से घास मंगाकर इस मैदान में लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री का 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट होने की खबर जैसे ही आई तो इसे राजनीतिक जो बातें हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि निर्माण कार्य को लेकर ही मुख्यमंत्री यहां रहेंगे। 7 सर्कुलर रोड आवास की खासियत है कि ये भूकंप में सुरक्षित है। 2015 विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार ने यहीं पर बिताया था, वो यहीं पर रहते थे और अब जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना वापस लौटेंगे तो यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं और इसको लेकर के जो कार्य अंदर चल रहे थे वो पूरे हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप फर्स्ट बिहार के साथ बने। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।